झारखंड का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। तीन चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे चरण का चुनाव 16 दिसंबर को होने वाला है और इसी को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर वार किया और इसके साथ ही रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। राम राज्य का मतलब आप जानते होंगे, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव न होता हो, सबका साथ और सबका विकास, इसकी अवधारणा है और हमने यही काम किया है। गरीबों को मकान देकर के, गरीबों को शौचालय देकर के, गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देकर के, गरीबों को विद्युत का कनेक्शन देकर के, गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देकर के, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देकर के, ये कार्यक्रम इसी क्रम में आगे बढ़ाने के कार्य हुए हैं और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है, डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। एक लोकप्रिय विधायक के रूप में आपके काम सब काम किए हैं, ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं, एक समर्पित जनप्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। जयप्रकाश जी को समर्थन का मतलब सीधे सीधे मोदी जी को समर्थन मानते हैं इस बात को। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, डॉक्टर जयप्रकाश वर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आया हूं। आप समर्थन देंगे? दोनों हाथ लगा कर बताइए, जाकर मेरी आवाज आ रही है, मेरे साथ बोलेंगे क्या अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक हैं? कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के समर्थक हैं? नक्सलवाद और आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने के समर्थक हैं? भारत को विकास की बुलंदियों तक पहुंचाने के समर्थक हैं? सभी लोग इस बात को मानते हैं तो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ दोनों हाथ लगा करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।